कहा कि विश्राम गृह परिसर में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक संपन्न की गई। बैठक में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनोज सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही बैठक में 25 मार्च को सोलन सम्मेलन में 300 युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को पहुंचने की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। युवा मोर्चा रेणुका मंडल की बैठक विश्राम गृह संगड़ा में संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था अभी इस महीने 25 मार्च 2022 को भाजीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई तेजस्वी सूर्या जी हिमाचल के जिला सोलन आगमन पर पधार रहे हैं। उस विषय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रेणुका मंडल ने अपने सभी पदाधिकारियों की बैठक विश्राम गृह संगड़ा में ली। इस बैठक में उपस्थित 2017 के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय श्री बलबीर सिंह चौहान जी उपस्थित रहे व मंडल के महामंत्री व प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रताप तोमर जी भी इस बैठक में उपस्थित रहे। गेस्ट हाउस में श्री बलबीर जी से मिले और गांव के विभिन्न समस्याओं के बारे में इनसे चर्चा की हम लोगों ने। तो इन लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि आगे भी हम विकास करते रहेंगे और मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। आज हमारी इनसे कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा हुई जिन्होंने दिया है कि हमारी जितनी भी मांगे इनसे रहेगी हो पाएगी वो करेंगे। हमारी पंचायत पहले भी बीजेपी की थी और आगे भी रहेगी। युवा मोर्चा रेणुका मंडल के पदाधिकारियों की बैठक विश्राम गृह संग्राम में संपन्न हुई। आज की बैठक का उद्देश्य था कि रेणुका निर्वाचन क्षेत्र से 300 भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 25 तारीख को सोलन जाएंगे, क्योंकि सोलन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी आ रहे हैं, जिनके साथ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और प्रदेश के हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी भी उपस्थित रहेंगे। मैं अपनी तरफ से और युवा मोर्चा रेणुका मंडल की तरफ से आज यहाँ पर विश्वास दिला रहा हूँ कि रेणुका निर्वाचन क्षेत्र से 300 से पार संख्या जो है हमें युवा मोर्चा रेणुका मंडल की बैठक हुई, जिसमें 25 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी का आगमन हो रहा है। उस विषय में रेणुका मंडल के लिए जो टारगेट था वो 300 युवाओं का था। हम 300 युवाओं को लेकर 25 तारीख को सोलन आगमन करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।